हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीओके पहुंचकर बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर उगला जहर। कहा, भारतीय सैनिक जितनी चाहे चाय पिए, पाकिस्तानी सेना पिलाने को तैयार है। बताएंगे दोस्तों ये कहकर कैसे कश्मीर पर जहर उगला बिलावल भुट्टो ने। G20 बैठक से बौखला गया है बिलावल भुट्टो। कश्मीर के बिना पाकिस्तान शब्द अधूरा जैसा बयान दिया गया है। पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों, साथ बताएंगे। जहां अब ऑस्ट्रेलिया में भी घोषित होगा लिटिल इंडिया। पीएम मोदी जी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साथ फिर एक बार सत्यपाल मलिक के पुलवामा पर बड़ा बयान। कहा, हमारे सैनिकों के शवों पर लड़ा गया था 2019 का लोकसभा चुनाव। पीएम मोदी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी आपको बताएंगे कैसे केंद्र सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है सत्यपाल मलिक। और साथ ही साथ दोस्तों, 2000 रुपए के नोट को लेकर फिर आरबीआई का नया जवाब। 50,000 से ऊपर कैश जमा करने पर नया नियम। और साथ ही साथ क्या 2000 के बाद आएगा 1,000 रुपए का नोट? आरबीआई ने इसका क्या दिया जवाब? सारी जानकारी बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की। जहां G20 बैठक से बिलावल को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। कश्मीर के बिना पाकिस्तान शब्द अधूरा जैसा दिया बयान। बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 देशों की बैठक हो रही है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। इस बीच उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पीओके में है, और उन्होंने वहां जहर उगला है। G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि यह विश्व मंच पर भारत के अहंकार का एक और प्रदर्शन है। भारत अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है। यदि उसे महाशक्ति बनना ही है तो उसको महाशक्ति के रूप में कार्य करने होंगे। दरअसल बिलावल की भाषणबाजी से पाकिस्तान की खिसियाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। पीओके में बिलावल सिर्फ भारत को कोसने के लिए ही पहुंचे हैं, क्योंकि जितने दिन G20 बैठकें चलेंगी उतने ही दिन वे वहां ठहरे हुए हैं और अपना प्रोपेगेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उनसे जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वही उन्होंने फिर उगला है। बिलावल ने कश्मीर का राग अलापते हुए कहा है कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान का शब्द ही अधूरा है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ होता है उसे पाकिस्तान नजरअंदाज नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर को लेकर बिलावल भुट्टो ने रोना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर का मामला बंटवारे का अधूरा मुद्दा है। भारत धीरे धीरे दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर उसके क्षेत्र का निर्विवाद हिस्सा है। इतिहास याद रखना चाहिए कि भारत जम्मू कश्मीर को सुरक्षा परिषद में ले गया, जो कि अभी तक हल नहीं हुआ है। कश्मीर के लोगों को उनका अधिकार देना ही होगा। जी हां, बता दें कि आतंक की उगाही करने वाले पाकिस्तान का चेहरा बिलावल साफ दिखाना चाहता है, ताकि वे वैश्विक मंच पर अपनी छवि को साफ दिखा सके। और यही वजह है कि भारत के साथ वे अच्छे संबंध बनाने की बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, इसमें भारत भी शामिल है। ये अच्छे संबंध तभी स्थापित हो सकेंगे जब विवादित मसलों को सुलझाया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गोवा में हुई SCO की बैठक का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि गोवा यात्रा के दौरान उन्होंने बार बार भारत से कहा है कि दोनों देशों की बातचीत आगे बढ़ने के लिए अनुच्छेद 370 को दोबारा बहाल करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन ये रिश्ते विवादों से किनारा करके नहीं बल्कि उन्हें निपटारा करके हासिल किए जा सकते हैं। बिलावल ने कहा कि पीओके को लेकर भारत की तरफ से जो भी बयान आए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की कैसी सोच है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री जितना धैर्य रख सकती है और रखे हुए है। फिर उन्होंने मजाकिया स्टाइल में कहा कि भारतीय सैनिक जितनी चाय पीना चाहे पाकिस्तान उतनी चाय पिला सकती है, यानी कि भारतीय सेना को चाय पिलाने का लालच दे रहा है बिलावल भुट्टो, जिसकी खुद चाय पीने की औकात नहीं। और आज जो स्थिति है पाकिस्तान की वो दोस्तों आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी अब जो भी राय हो बिलावल भुट्टो के इस बयान को लेकर और कश्मीर पर पाकिस्तान के बौखलाहट को लेकर जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर हमेशा की तरह, ताकि बिलावल भुट्टो के मंसूबे पूरे दुनिया को पता चल सके। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सिडनी में भी हर हर मोदी की गूंज। हैरिस पार्क होगा अब लिटिल इंडिया। बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण के तहत सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। पीएम मोदी के सिडनी पहुंचने पर भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ'फारेल ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। इस दौरान लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों को वंदे मातरम के नारे लगाते भी सुना गया। कई लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपने हाथों में लिए कतार में खड़े थे। पीएम मोदी से मिलकर
लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। इससे पहले रविवार को पापुआ न्यू गिनी में भी लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाए थे। जी हां, ऑस्ट्रेलिया इस सांख्यिकी ब्यूरो 2016 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 6,19,164 लोगों ने घोषित किया है कि वे भारतीय मूल के हैं। ये ऑस्ट्रेलिया आबादी का 2.8% है। उनमें से 5,92,000 भारत में पैदा हुए थे। पीएम मोदी मंगलवार को सिडनी बसे, आज हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने वाले। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट में लिटिल इंडिया जरूर लिखिएगा अगर आप भी वास्तव में मोदी जी के इस फैसले पर खुश होने वाले हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दे बड़ी खबर, जहां G20 की बात करते हैं, जहां कश्मीर पहुंचे 17 देशों के 60 डेलीगेट्स, किया गया ग्रैंड वेलकम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। जी हां, श्रीनगर में सोमवार को G20 देशों के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होने के मद्देनजर यहां बस टर्मिनल समेत सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले दिन में 17 देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधि श्रीनगर पहुंचे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है। अधिकारियों ने कहा है कि शहर भर में नाके बनाए गए हैं, जहां वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है। उनके अनुसार लोगों की जांच तेज कर दी गई और बस टर्मिनल पर उनकी पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठ की आशंका के बाद सीमावर्ती जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ पुंछ, कठुआ, राजौरी और सांबा जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जहां सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा हमारे सैनिकों के शवों पर लड़ा गया था 2019 का लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की, या यूं कह ले हमला बोल ही दिया। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे सैनिकों के शवों पर लड़ा गया था, अगर इस घटना की जांच होती है तो तत्कालीन गृह मंत्री बोले तो राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। मलिक ने दावा किया कि उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी को इसकी सूचना दी थी, तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। राजस्थान में अलवर जिले के बानसूर में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि 2019 चुनाव हमारे जवानों के शवों पर लड़े गए और कोई जांच नहीं हुई, अगर जांच हुई होती तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, कई अन्य अफसरों को जेल होती और बड़ा विवाद खड़ा होता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों के बारे में मुखर रहे सत्यपाल मलिक राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित होने से पहले राज्यपाल थे। उन्होंने रविवार को कार्यक्रम के दौरान कहा कि 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हमला हुआ था, तब पीएम मोदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे। जब पीएम वहां से बाहर आए तो मुझे उनका फोन आया, मैंने उनसे कहा कि हमारे सैनिक मारे गए हैं और वे हमारी गलती से मारे गए हैं, तो इस पर पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो। बहरहाल दोस्तों, लगातार सत्यपाल मलिक पिछले कुछ महीनों से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं पुलवामा अटैक को लेकर। ऐसे में दोस्तों, क्या कहीं जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक को उनके पद से हटाया गया था, क्या उसका बदला तो नहीं ले रहे? क्या ये बदले की भावना में ऐसे बयान तो नहीं दिए जा रहे सत्यपाल मलिक के द्वारा? ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं इस बयान का? और साथ ही साथ देश की जिस सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों को मार गिराया और पुलवामा का बदला लिया, क्या वो सरकार अपने भारतीय सेनाओं के शवों पर चुनाव लड़ेगी? ऐसे में आपका क्या जवाब होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां धक्का मुक्की नहीं, अब चीनियों को सीधे इजराइल वाला धोबी पछाड़ देंगे भारतीय जवान। बता दें भारतीय सुरक्षा बलों को इजराइल के धोबी पछाड़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस युद्ध कला का नाम है कराव मागा। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पेट्रोलिंग के वक्त चीनियों को सबक सिखाने में यह कारगर साबित होगी। पंचकुला स्थित ITBP ट्रेनिंग अकेडमी में 50 इंस्ट्रक्टरों वाले पहले बैच को इसमें ट्रेंड किया जा रहा है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के साथ भारतीय सेना LAC पर गश्त कर रही है। इस दौरान अक्सर चीनी सैनिकों से इनकी कहा सुनी हो जाती है, बढ़ते बढ़ते कई बार ये धक्का मुक्की में भी बदल जाती है। IG यानी ट्रेनिंग IS दुहान ने हमारे सहयोगी न्यूज पेपर इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि पहले बैच में 50 इंस्ट्रक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर ये फील्ड में जाकर ITBP कमांडोज को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दे, जहां जयशंकर जी और डोवाल पीएम मोदी जी के दाएं और बाएं हाथ, भारत की धाक जमाने में पीएम को कैसे मिला दोनों का साथ? बता दे मोदी सरकार ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अलग ही धार दी है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अब भारत पूरी धमक के साथ दो टुक बातें करता है। अगर इसके पीछे किसी को श्रेय जाना चाहिए तो वो है विदेश मंत्री जयशंकर जी और
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। जी हाँ, ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ हैं दाएं और बाएं। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मोदी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति के चर्चे हैं। तस्वीर में प्रधानमंत्री के अगल बगल दिखाई दे रहे दो शख्सियतें इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हैं। इन्होंने ही विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग तरह की धार दी है। जी हाँ, और ये हर भारतीय जानते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी ताकत है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने हर मौके पर भारत की बदलती तस्वीर से दुनिया को रूबरू कराया है। इन्होंने वो रास्ता पकड़ कर रखा जिसने दुनिया को भारत को केंद्र में रखने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, वास्तव में दोस्तों, अगर आप भी एक भारतीय होने के नाते ये मानते हैं कि विदेश नीति में जयशंकर जी और राष्ट्रीय नीति में अजीत डोभाल ने पीएम मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मदद की है, तो इन दोनों के लिए दो अच्छी बातें दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते हैं भारतीय जनता क्या कहती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां जिस मुस्लिम देश को भारत ने दी खास तवज्जो उसने भी किया G20 से किनारा। जी हाँ दोस्तों, भारत में होने वाले G20 की इस बैठक में अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और साउथ अफ्रीका जैसे 17 देशों से 60 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होने की वजह से चीन ने नाराजगी जाहिर की, तो वहीं तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरब ने भी इस बैठक के लिए अंत समय तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह रही कि भारत को अपना खास दोस्त बताने वाले मिस्र ने भी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित हो रही G20 की इस मीटिंग से दूरी बना ली है, जबकि मिस्र यानी इजिप्ट G20 ग्रुप का सदस्य भी नहीं है और उसे शामिल होने के लिए गेस्ट कंट्री के तौर पर खास न्योता भेजा गया था। उसके बावजूद भी मिस्र ने इस बैठक में शामिल होना लाजमी नहीं समझा। मिस्र के इस फैसले के पीछे का कारण कश्मीर में बैठक का होना है या कुछ और, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पाकिस्तान इसे लेकर अभी से अपनी कूटनीति जीत के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान बैठक के कश्मीर में आयोजित होने की वजह से मुस्लिम देशों से इसमें शामिल न होने की लगातार गुहार लगा रहा था। पाकिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई और देशों से भी G20 की इस बैठक का बहिष्कार करने की अपील की थी, लेकिन उसकी अपील को इन देशों ने अनसुना कर दिया। लेकिन जो नहीं आए उनको लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है दोस्तों, और वो कह रहा है कि हमारी कूटनीति की इस पर विजय हुई है और हमारी बात इन मुस्लिम देशों ने और इन देशों ने सुना है, और अपने आप ही पाकिस्तान खुश होता नजर आ रहा है कि ये देश भारत नहीं आए। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दे, जहां पीएम मोदी से मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। बाइडेन के दौरा रद्द करने के बाद भी पापुआ न्यू गिनी में हुई मोदी से मुलाकात। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस हिपकिन से पहली बार मुलाकात की, और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की एवं व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मोदी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीपीय देशों के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पापुआ न्यू गिनी की अपनी पहली यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे। पीएम मोदी के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर आने वाले थे। क्रिस हिपकिंस का प्लान था कि वो बाइडेन और पीएम मोदी से मिलेंगे, लेकिन बाद में बाइडेन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। बाइडेन की यात्रा रद्द करने के बाद इस बात पर संशय था कि क्या न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री विशेष रूप से पीएम मोदी से मिलने के लिए आएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द नहीं की और पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। बहुत बड़ी बात। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से मिलना चाहता हूं और इसीलिए पीएनजी जाऊंगा। बहरहाल मोदी जी से उनकी जमकर मुलाकात हुई। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, GWP रिपोर्ट में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर, जहां गर्त में डूबी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। बता दे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह गर्त में जा चुकी है, जबकि भ्रष्टाचार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ये खुलासा गैलप वर्ल्ड पोल बोले तो GWP ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। डॉन ने इस सप्ताह जारी गैलप सर्वेक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि पाकिस्तान में केवल 16% लोगों का मानना है कि उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, और जो अफगानिस्तान को छोड़कर इस क्षेत्र में सबसे कम है। GWP के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान में अशांति उसके आर्थिक संकट का कारण बनी हुई है। जहां भगदड़ की स्थिति है वहां पर भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां चीन के दबाव के कारण WHO ने लिया बड़ा फैसला, ताइवान को वार्षिक सभा से दिखाया बाहर का रास्ता। बता दे, चीन के विरोध के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस बार ताइवान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। WHO ने जिनेवा में होने वाली वार्षिक सभा में ताइवान को निमंत्रण ना देने का फैसला किया। गौरतलब है कि वार्षिक सभा का आयोजन 21 से 30 मई तक जिनेवा में चलेगा, जिसमें ताइवान मौजूद नहीं रह पाएगा। जी हां, दरअसल चीन और पाकिस्तान ने सदस्यों से आग्रह किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के
इस कार्यक्रम में ताइवान को शामिल ना किया जाए, जबकि इस ताविनी और मार्शल द्वीप समूह ने इसके पक्ष में बात की थी। चीन ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता और कहता कि वो एक अलग देश नहीं बल्कि बीजिंग से शासित है, चीन का ही हिस्सा है। बहरहाल एक और खबर की बात करें, जहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से की भावुक अपील, कहा हम सताए हुए देश हैं, कृपया करके पीएम मोदी जी आप हमारी आवाज सुने, हमारी मदद करें। जी हां, प्रशांत क्षेत्र में स्थिति पापुआ न्यू गिनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता कहा है, जो प्रशांत क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी सफलता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय वहां से जा चुके हैं, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि प्रशांत द्वीप राष्ट्र उन्हें ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में मानते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के नेतृत्व के पीछे रैली करेंगे। यानी पापुआ न्यू गिनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो भारत के साथ खड़ा है, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पापुआ न्यू गिनी समेत प्रशांत महासागर द्वीप के 14 देशों ने भारत को अपना नेता मान लिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि हम वैश्विक पावर प्ले के शिकार हैं। पीएम मोदी जी आप ग्लोबल साउथ के नेता है, हम वैश्विक मंचों पर आपके नेतृत्व का समर्थन करेंगे, हम सताए हुए हैं, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। ऐसे में क्या पीएम मोदी जी को उनकी मदद करनी चाहिए दोस्तों? क्या भारत को पापुआ न्यू गिनी के लिए आगे आना चाहिए? क्योंकि भारत जितनी मदद करेगा पापुआ न्यू गिनी की, उतना ज्यादा चाइना बौखलाएगा। कहीं ना कहीं कूटनीति के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग राजनीति होने वाली है भारत और पापुआ न्यू गिनी की। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दे दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके टांग को खींचने के लिए कोई ना कोई खड़ा होता है। वैसा ही दोस्तों बड़ी खबर है, जहां पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी के छुए पैर, तो संजय रावत ने कहा कि वहां चलता है ब्लैक मैजिक, उन्हें लगा कोई जादूगर आया है। जी हां, बता दे प्रधानमंत्री मोदी जी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तब वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए थे दोस्तों, जिस पर संजय रावत ने तंज कसते हुए कहा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री को लगा होगा कि भारत से कोई जादूगर आया है। उन्होंने कहा कि पापुआ न्यू गिनी देश काला जादू में बहुत भरोसा करता है और वहां ये बहुत चलता भी है, इन्हें लगा होगा कि भारत से कोई बहुत बड़ा जादूगर आया है जो उन्हें जादू सिखाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्होंने पैर छुए, वो बुजुर्ग हैं, हम भी जब पीएम मोदी से मिलते हैं तो उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हौवा बना रही है और प्रचार कर रही है ऐसा, और ये सही नहीं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां G7 समिट के आक्रामक तेवर से बौखलाया ड्रैगन, चीन ने जापानी राजदूत को भेज दिया नोटिस, ब्रिटेन को लगाई फटकार। जी हां, जापान में इस हफ्ते हुए G7 शिखर सम्मेलन में चीन के खिलाफ भारी आक्रामक तेवर अपनाए गए हैं, जिससे चीन बौखला गया है। हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को G7 को चीन विरोधी कार्यशाला कहा है। वहीं बीजिंग ने जापान के राजदूत को तलब किया और हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में जारी किए गए बयानों के जवाब में ब्रिटेन को फटकार लगाई है। शनिवार को जारी G7 देशों की संयुक्त विज्ञप्ति में ताइवान और समुद्री दावों से लेकर आर्थिक जबरदस्ती और मानवाधिकारों तक के मुद्दों पर चीन को जवाबदेह ठहराया गया और ज्वाइंट स्टेटमेंट में बीजिंग की कड़ी आलोचना की गई। जी हां, आपको बता दे दोस्तों कि चीन ने संबंध ना बिगाड़ने की दी थी धमकी, जिस पर ताइवान ने दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा पहले अपना व्यवहार में परिवर्तन लेकर आओ तब ये बयान देना। जी हां, जिसके बाद फिर ड्रैगन भी बौखला गया। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां अल्ताफ बुखारी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यानी JKAP के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपने बयानों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। अब बुखारी ने आरोप लगाया है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में देरी हो रही है क्योंकि बीजेपी नाराज मतदाताओं का सामना नहीं करना चाहती। उधमपुर जिले के मोंगरी में एक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी के जरिए सीधे नियंत्रित किए जाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के खिलाफ सार्वजनिक पीड़ा बढ़ रही है। कुशासन के कारण पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का सामना नहीं करना चाहती है, इसीलिए बिना किसी औचित्य के मतदान में देरी की जा रही है। बुखारी ने कहा कि प्रशासन लोगों के विकास, रोजगार और अन्य मुद्दों के साथ न्याय करने में विफल रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे अल्ताफ बुखारी को? साथ ही साथ अगली खबर बता दे, जहां मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फिर भड़की हिंसा, दोबारा लगा कर्फ्यू, सेना भी लौटी वापस। बता दें देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फिर से हिंसा भड़क उठी। स्थिति को देखते हुए शहर में दोबारा कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना को वापस बुला लिया गया है। हिंद प्रभावित शहर में कई दिनों की शांति के बाद कल सोमवार की दोपहर फिर से दोनों समुदायों में संघर्ष देखने को मिला। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राज्य की राजधानी इम्फाल के न्यू चेकोन इलाके में मैतई और कुकी समुदाय के बीच सोमवार की दोपहर मारपीट हुई। स्थानीय बाजार में एक जगह को लेकर दोनों समुदायों के बीच झड़प शुरू हुई, जिसने देखते
देखते भीषण रूप ले लिया। इस इलाके में आगजनी होने लगी। ऐसी खबरें आने के बाद प्रशासन ने राजधानी में कर्फ्यू घोषित कर दिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार। दिल्ली मामले में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर सकती है क्या कांग्रेस, बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये बैठक कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे के आवास पर हुई। कांग्रेसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक बैठक की है, अगले एक दो दिनों में विपक्षी पार्टियों के साथ होने वाली बैठक की तारीख तय की जाएगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आज हमारी बैठक में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की एक बैठक होगी, जिसके लिए जगह समय और तिथि अगले 2 से 3 दिन में तय हो जाएगी। जी हां, सूत्रों की माने तो कांग्रेसी संसद में एक विधेयक का विरोध करने की संभावना है, जो दिल्ली के सेवा मामलों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए पेश किया जाएगा। हाल ही में पार्टी ने केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नौकरशाहों का स्थानांतरण चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कहा जुलाई में आएगा वन नेशन वन पुलिस का कानून, तब ममता बनर्जी क्या करेंगी। जी हां, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी में राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गतिरोध जारी है। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने सोमवार यानी 22 मई को कहा कि जुलाई के महीने में वन नेशन वन पुलिस कानून आ रहा है, तब ममता बनर्जी क्या करेंगी, उनके हाथ से पुलिस विभाग चला जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज बंगाल के हालात यूक्रेन से भी ज्यादा खराब है। वहां तो रशिया अभी हमला नहीं कर रहा, लेकिन यहां तो हर दिन हमले हो रहे हैं। अब की बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीट जीतेगी। उन्होंने टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा। अधिकारी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी पॉलिटिक्स में भी ना समझ राजनेता है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने उगला जहर, कहा मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बागेश्वर सरकार की चर्चा जोरों पर है। रोज उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। बाबा बागेश्वर पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। बागेश्वर सरकार के खिलाफ सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आवाज बुलंद की। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को आतंकवादी बता दिया। उन्होंने कहा कि मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना कारखानों की चींटियों से कर डाली। जी हां, बाबा की बातों का जनता पर कोई असर नहीं है, देश संविधान से चलेगा ना कि बाबा के बयान से। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि सभी साधु संत के भेष में आतंकवादी हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, इस खबर पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां 2000 रुपए के नोट में 50,000 से अधिक कैश जमा करने पर देना होगा पैन कार्ड। आरबीआई गवर्नर ने दिए सभी सवालों के जवाब। जी हां, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है, जब एक बार में 10 नोट बदलने की ही सुविधा दी गई थी। इससे अधिक नोट लोग अपने बैंक को खाते में जमा कर सकते हैं। एक संवाददाता की ओर से पूछे गए सवाल में कि अगर कोई व्यक्ति 50 से अधिक मूल्य के 2000 रुपए के नोट जमा करता है तो क्या उसकी स्क्रूटनी होगी, इस पर उन्होंने कहा कि आरबीआई कोई स्क्रूटनी नहीं करेगा। बैंक में पहले से ही नियम है कि अगर 50,000 से अधिक कैश जमा करते हैं तो पैन नंबर देना अनिवार्य है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जहां क्या 2000 के बाद आएगा 1000 रुपए का नोट, तो आरबीआई ने इसका दिया जवाब। जिस प्रकार से 2000 रुपए के नोट अब पूर्ण रूप से बंद होने वाले हैं, ऐसे में क्या 1000 रुपए के नए नोट आएंगे, जिसके बाद इस सवाल के जवाब में आरबीआई गवर्नर ने सोमवार को इन कयासों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।